हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभय कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ एक अपने नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है वो है अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट करें ताकि मैं आपके सामने किस किस टाइप का वीडियो बना के लेके आऊँ। थैंक यू। और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरा जो भी वीडियो कोई अपलोड हो आपको ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ जाए ताकि आप मेरे वीडियो को देख के जो भी बेनिफिट्स हैं उसे उठा सको। जो हम आते हैं अपने टॉपिक पे, इस बार का जो टॉपिक है वो है अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन। अनसेफ एक्ट क्या होता है और अनसेफ कंडीशन क्या होता है, इससे होता क्या है, इस चीज पे आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सीडेंट के रीजन क्या होते हैं। तो एक्सीडेंट के रीजन होने के लिए दो रीजन होते हैं। एक होता है ह्यूमन एरर और एक होता है नेचुरल क्लाइमेटिज। एक होता है नेचुरल क्लाइमेटिज। तो 98% जो एक्सीडेंट होते हैं वो ह्यूमन एरर के द्वारा होते हैं और 2% जो एक्सीडेंट होते हैं वो नेचुरल क्लाइमेटिज की वजह से होते हैं। नेचुरल क्लाइमेटिज मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, फ्लडिंग आ गया, तो वो नेचुरल क्लाइमेटिज होता है। और बाकी जो एक्सीडेंट होते हैं वो होते हैं ह्यूमन एरर के द्वारा। ओके, उसके बाद जो ह्यूमन एरर का एक्सीडेंट होता है, जो भी 98% एक्सीडेंट होते हैं, वो एक्सीडेंट होने के रीजन दो होते हैं। ठीक है, अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन। जब ये दोनों मिलते हैं, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन जब मिलेंगे, तो ये हमारा एक्सीडेंट प्रोन एरिया होता है। जहां मैच करते हैं वो एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाता है। 98% जो एक्सीडेंट होते हैं वो ह्यूमन एरर के द्वारा होते हैं। ह्यूमन एरर में दो होते हैं, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। तो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन जब मिलते हैं, वो जो लोग जहां मिलते हैं वो होते हैं एक्सीडेंट प्रोन एरिया। एक्सीडेंट होने का चांस वहां सबसे ज्यादा होता है। इसमें भी सबसे ज्यादा चांस क्या होता है, जो चांस होता है वो 80% अनसेफ एक्ट का होता है और आपका 20% अनसेफ कंडीशन होता है। अब 80% अनसेफ एक्ट क्यों होता है, क्योंकि एक आदमी का अनसेफ एक्ट, किसी एक आदमी का जो अनसेफ एक्ट होता है वो किसी दूसरे आदमी का कंडीशन बन जाता है। मान लीजिए कि कोई एक चीज है, एक ने क्या किया, वन पर्सन जो है एक्ट कर रहा है, ठीक है, वो सेकंड पर्सन के लिए कंडीशन बन जाएगा। ये एक पर्सन का एक्ट दूसरे पर्सन का कंडीशन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल चले, उससे पहले मैं बता दूं कि एक्ट क्या होता है। जो कार्य हम करते हैं किसी के द्वारा किया जाता है, ठीक है, वो एक्ट कहलाता है। और जिस कंडीशन में, जहां स्थिति में, जिस टूल्स टैकल्स के साथ, जिस परिवेश में हमको कार्य करना है वो कंडीशन कहलाता है। जो कोई करता है वो एक्ट कहलाता है, और जहां करता है, जिसके साथ करता है वो कंडीशन कहलाता है। जहां कार्य करता है वो कंडीशन कहलाता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। कोई लिफ्टिंग टूल्स है, अगर वो डैमेज है, ओके, अगर लिफ्टिंग टूल है और वो डैमेज है, तो क्या है, वो कंडीशन है। अगर लिफ्टिंग टूल है वो कंडीशन है,
लेकिन उस टूल के साथ, अगर उस टूल के साथ कोई कार्य कर रहा है, जो कार्य कर रहा है वो क्या है, टेक है, ठीक है, उस टूल के साथ जो कार्य कर रहा है वो है एक्ट। इसमें कोई भी टूल्स डायरेक्ट डैमेज तो होता नहीं है, यहां पे कोई भी टूल्स डायरेक्ट तो डैमेज होगा नहीं, वो डैमेज करने वाला कोई ना कोई आदमी हुआ, कोई ना कोई पर्सन होगा, कोई पर्सन है जो डैमेज करता है, ठीक है, जो पर्सन डैमेज कर रहा है, एक पर्सन है जो डैमेज कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है। अगर वो पर्सन डैमेज कर रहा है, वो पर्सन क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, गलत काम कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉपर्टी लॉस हो रहा है, कोई ना कुछ नुकसान हो रहा है, एक्सीडेंट या किसी तरह का नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या किया, गलत यूज किया, वो डैमेज किया, तो क्या किया, एक्ट किया। अगर वो एक्ट क्या किया, वो एक्ट तो कर दिया और उसको डैमेज करके, टूल्स को डैमेज करके छोड़ दिया, वो कहीं ना कहीं रख दिया, ठीक है। अब वो कहीं ना कहीं रख दिया तो फिर उस केस में क्या होगा, दूसरा कोई आएगा उसको यूज करने या काम करने के लिए, तो उसके लिए वो क्या है, ये डैमेज क्या है, डैमेज टूल्स उसके लिए क्या है, ये कंडीशन है, उसके लिए कंडीशन है, क्योंकि वो डैमेज टूल उसके पास ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, वो डैमेज टूल्स है, वो कंडीशन है उसके लिए, स्थिति है उस टूल्स के साथ उसको काम करना है। इसके बाद एक स्टेप और आगे आता है, अगर उसने देखा कि टूल्स डैमेज है, ठीक है, कंडीशन खराब है, और वो फिर काम कर रहा है, फिर डैमेज कंडीशन के साथ वो काम कर रहा है, दैट मीन्स वो फिर अगेन एक्ट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। तो एक तो कंडीशन उसका खराब था, दूसरा उसने चेक करने के बावजूद फिर वो काम किया, क्योंकि हमको गलत स्थिति में तो काम करना नहीं है, अगर गलत स्थिति में काम कर रहा है तो फिर वो एक्ट कर रहा है, अगर वो एक्ट कर रहा है तो उस केस में क्या हो गया, हमारे यहां पे जो एक जोन है ना, एक्सीडेंट प्रोन एरिया, वो बनता है, ये अनसेफ कंडीशन, ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया होगा, ठीक है, ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया होगा, क्योंकि यहां दोनों मैच कर रहे हैं, जब अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन मैच करते हैं तो वहां हमारे लिए क्या होता है, एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें एक चीज समझने की बात है कि कोई एक आदमी कर रहा है, कोई एक आदमी अनसेफ अगर कार्य कर रहा है, वो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, कंडीशन बन जाएगा, उसके लिए वो कंडीशन बन जाएगा, ये दूसरे पर्सन के लिए, क्योंकि उस पर्सन को ये अगर करके छोड़ दिया तो फिर दूसरे के लिए वो क्या हो गया, कंडीशन बन गया। अगर उसी कंडीशन में फिर वो आदमी काम करना चालू कर दिया तो आदमी फिर क्या कर रहा है, वो तो एक्ट कर ही रहा है, क्योंकि कंडीशन ऑलरेडी खराब था और वो फिर गलत काम कर रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश किया हूं, ताकि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन समझ में आए। अगर अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन को हम टाइम रखते ही रिपोर्ट कर पाते हैं, टाइम रहते अगर हम रिपोर्ट कर पाते हैं और उसका क्लोजर कर पाते हैं सेफ्टी इंटरवेंशन के द्वारा, तो हम क्या करेंगे, एक्सीडेंट को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एज एचएससी पर्सनल, एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर ये दोनों चीजों को हम जितने कंट्रोल कर पाए, ठीक है, जिन दोनों चीजों को जितने कंट्रोल कर पाएंगे वो क्या होगा, हम एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू मेरे दोस्तों, मेरे द्वारा जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो नॉलेज शेयरिंग की गई है, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।